आज मैं आपको ये थर्मोस्टेट के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। ये दो बहुत ही छोटे से किस्म के आपको ये जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये थर्मोस्टेट्स हैं, और पूरी गाड़ी का टेम्परेचर कंट्रोल करना इन दोनों इसका काम है। अगर ये ख़राब हो जाए तो ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। हमारे मुल्क में आमतौर पर मैकेनिक इसका दुश्मन होता है, वो इसको निकाल के फेंक देता है। तो ये चीज़ जो है, आपको ये बता दूं कि पहले जो गाड़ियां थी वो 86 टेम्परेचर के ऊपर जो है, 86 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर काम करती थी तकरीबन। अब जो नए मॉडल की गाड़ियां आने लगी हैं वो 96 टेम्परेचर के ऊपर ये जो थर्मोस्टेटर है ये काम करता है, यानी उनका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो हमारे मुल्क में एक और परेशानी पैदा ये हो गई है कि लोग समझते हैं कि यार मेरी गाड़ी ओवर हीटिंग हो रही है, क्योंकि उनको सुनाई दे रहा होता है, सुनते हैं वो रेडिएटर के पानी में गुड़गुड़ की आवाज़ आती, तो समझते हैं शायद मेरा इंजन गर्म हो गया है, या रेडिएटर जब पानी उठा के वो जो बोतल में फेंकता है तो वो ये समझते हैं कि शायद मेरी गाड़ी ओवर हीटिंग हो रही है। आपको उस बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप फोकस करें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर गेज को, कि वो तो आपको नहीं शो कर रहा, इसका काम है, ये अपना काम कर रहा है। तो मैं आपको इस वक्त ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये थर्मोस्टेट्स है, ये बायोमेटेलिक, इसके अंदर मेटल है, और ये स्प्रिंग से प्रेस होगा, ये नॉर्मली क्लोज पोजीशन के अंदर होता है। इसको अगर मैं यहाँ से दबाऊँ तो आपको इसको मूव होते हुए दिखाई देगा। तो मैं आपको ये ज़रा दिखाता हूँ, ज़्यादा आसानी से दिखाई दे रहा है। तो ये आपको ये दिखाई देगा, ये ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, ये चीज़ें ऊपर नीचे खुल रही है। इसके अंदर मुझे अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ रही है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं जब इंजन गर्म होता है तो उसके अंदर इतनी क़ुव्वत होती है कि वो इसको ऊपर की तरफ उठा देता है, इस वाले हिस्से को। ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऊपर नीचे होते हुए, बिल्कुल सेम यही पोजीशन इसके अंदर होती है। लेकिन इसको ये ऊपर नीचे कौन करता है, इसके नहीं, इसको पानी, गर्म पानी इसको ऊपर नीचे करता है। तो इस वक्त इसकी पोजीशन क्लोज्ड है। इसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसके अंदर से आपको शायद इसके अंदर आपको किसी किस्म की लाइट नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ना अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसको पानी में डालूंगा और ये उबलने लगेगा, क्योंकि इंजन में पानी उबल रहा होता है, तो ये खुल जाता है, और जब ये खुल जाता है तो ये पानी रेडिएटर में फेंक देता है। रेडिएटर में बाज़ औक़ात क्या होता है कि रेडिएटर से वो पानी बोतल में चला जाता है। बोतल में बाज़ औक़ात वो बहुत ज़ोर से पानी अच्छा खासा फेंक देता है, उससे क्या होता है आपको आवाज़ सुनाई देती है, आप समझते हैं कि यार मेरा इंजन गर्म हो रहा है। ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो जब पानी गर्म होता है, पानी बहुत सारा फेंक देता है, तो वहाँ वैक्यूम भी पैदा हो जाता है। जब वैक्यूम पैदा होता है तो वो उसी पानी को वापस लेके इंजन को, यानी रेडिएटर के थ्रू इंजन को दोबारा ठंडा करने लगता है। तो वो पूरा एक साइकिल होता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको ये इस वक्त बिल्कुल बंद दिखाई दे रहा है। मैं अब इसको पानी में डाल रहा हूँ, तो जब ये गर्म होगा, इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ और याद रखें, इसकी पोजीशन जब भी आप निकालें और लगाएं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, इसकी एक पोजीशन होती है रेडिएटर के अंदर, ये उसी डायरेक्शन में लगता है, वरना ये आपको गलत रीडिंग देगा। हर उसके अंदर होता है ये वाला, ये पोर्शन। तो ये चीज़ मैं अभी पानी में डालूंगा तो ये एक्सपेंड होना शुरू होगा, जब एक्सपेंड होगा तो ये खुलेगा। ये पानी क्या है आप समझ लें कि ये इंजन उबलता हुआ पानी है जो कि इंजन में सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन जब वो इंजन में नहीं हो रहा तो इसको बाहर निकलना है। वो कैसे निकलता है तो मैं इसको अभी पानी में डाल रहा हूँ, दोनों को डाल रहा हूँ। असल में ये ख़राब है तो ये काम ही नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ कि ना ये इनका फ़र्क क्या होता है। तो मैं दोनों को डाल देता हूँ और हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो मैंने इस वक्त ना इसको गर्म कर दिया और मैं इसको बाहर निकालूंगा तो आप देखिएगा इसकी जो सीट है वो खुली हुई है, और जैसे जैसे वो ठंड होने शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट में। ये देखें, ये पूरा हिस्सा खुला हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये पूरा। और ये अब आपको इसको ये बंद होता हुआ दिखाई देगा, और ये पूरा बंद हो गया तकरीबन। मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ आपको, इसको दर्दा मैं इसको एक दफ़ा और गर्म किया मैंने, और मैं आपको दिखाता हूँ ये दोबारा खुल गया और ये बंद होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये खुला हुआ आपको दिखाई दे रहा है पूरा। ये अब ये आपको ना नीचे दिखाई देगा कि ना ये नीचे बंद होता जा रहा है, अभी आपके सामने ही बंद होगा, ये हल्के हल्के बंद होता जा रहा है। आप इसको पूरा बंद होते वो खुद देखेंगे अपने साथ, और ये इसको ये हल्के से बंद हो गया। तो ये प्रोसीजर है इसका। तो खुदा के लिए अपनी गाड़ियों के अंदर से इसको निकलवा के मत फेंकवाएं। ये पूरी गाड़ी के इंजन को कंट्रोल करता है। मैं इसके ऊपर एक बाकायदा एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसको निकाल के फेंकने का क्या नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त तो मुझे आपको इसका सिर्फ फंक्शन बताना था, तो ये आपको एक फंक्शन। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, ये रहा
ये भी बहुत देर से उबल रहा है, एक घंटा हो गया ये उबले जा रहा है, लेकिन इसका क्या हुआ, ये ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा, ये खुल ही नहीं रहा। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये खुल नहीं रहा तो आपका इंजन गर्म हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में आपको इसको चेंज कराना होता है। इसके ऊपर बाकायदा इसके ऊपर जो है ना एक रीडिंग होती है कि इसको इसके कि ये कितने टेम्परेचर पे ओपन होगा, तो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है बाकायदा ये यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में आज नई गाड़ी होगी तो 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, और पुरानी गाड़ी होगी तो 86 और 87 डिग्री या 84 भी होता है तो उसके ऊपर ये इस्तेमाल होता है। ये ख़राब हो चुका है, इसको मैंने आधे घंटे तो उबाल रखा है, ये अपनी जगह से बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, अगर ये इंजन में होता तो आपका इंजन बिल्कुल हॉट अप हो जाता, ये बेहतरीन पोजीशन में था, आपने इसकी मूवमेंट देख ली। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपकी गाड़ी के लिए एक बेहतरीन चीज़ थी। शुक्रिया।